आपको दूसरी न्यूज ये दे दूं कि मेरे बच्चे इतना ज्यादा तड़पे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मम्मी अभी तक मेरे साथ नीचे क्यों नहीं चल रही है, उनका नीचे जाने का टाइम हो गया है, उनको तो बॉल खेलनी है, उनको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या करूँ क्या नहीं, वो देखो पीछे से पीछे खेल रही है, और अभी तो चेरी ने वो डैश रोना शुरू नहीं किया है। नाम मत लेना उसी का, तुम तो निकल जाओगी घर से। नहीं नहीं नहीं, मैं डबल एल तो बोलना ही नहीं है, यही बैठी है क्या? नहीं खोखो है, तुम चली जाओगी मेरी कब्र खोद देंगे। वे भी खाना तो खिला लोगे ना आज? खाना मुझे देना इनको। हाँ खाना नहीं खिला पाओगे तुम, इनका खाना स्विगी से नहीं आ सकता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मैं तैयार हो गई हूँ, आज मैंने अच्छी तरह से बाल वॉश किए हैं, तो तैयार होके अब मैंने वीडियो स्टार्ट किया। एक्चुअली उठ तो मैं बहुत पहले की गई थी, एक्चुअली आजकल कोको भी मुंह चाट के ना उठा दे रहा है, तो वो 8 बजे होता है वो टाइम, तो 8 बजे की उठी हुई अब ना आके मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे आज वर्कआउट एज इन मुझे सिर्फ कार्डियो करना है, लेकिन वो किसी भी टाइम पे चली आऊंगी आज, मैं ऐसा नहीं कि 4 बजे जाना है, किसी भी टाइम पे जाके मैं कराऊंगी। और ये मेरी चिट्टी पुट्टी कुट्टी और ये रहा छुट्टा। मैं भी दोस्तों तैयार हो गया हूं, आज जा रहा हूं अपनी शूटिंग रेंज, गैप हो गया फिर से, बट ठीक है। वीडियो बनाओगे ऐसा? यार वहाँ क्या ही वीडियो बनाऊँ, समझ नहीं। थोड़ा सा बना दे ना। एक्चुअली मैं वो कॉस्ट्यूम में फंसा रहता हूँ ना, उसके जो फंसे कर दिए करो। चलो कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको बीच में काम करती हूँ दिखूंगी, लेकिन मैं जिम के लिए तैयार हो गई हूँ, अब इनकी कंघी वगैरह करूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑफ कैमरा व्लॉग नहीं करी थी, कोको और चेरी को तो नहला दिया है, तो कोको चेरी नहा के एकदम तैयार है, ये दोनों छुटकियां नहीं नहाई है, बट दैट्स ओके, इनका नहीं भी नहाएंगे तो चलेगा। ये अभी कोम्ब वगैरह इनको कर दूंगी, मैं चाय में भी अभी एक्चुअली घर के बहुत काम है, लेकिन काम होने से पहले मुझे लगता है दोस्तों कि मुझे एक कॉफी पी लेनी चाहिए, तो कॉफी तो मैं बनाने लगी हूँ। ओ बहुत काम है, जो ऊपरी काम होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं। मिलती हूँ आपको दोस्तों थोड़ी देर में। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी शूटिंग रेंज से, और आज के कार्ड्स अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं है पर बहुत बुरे भी नहीं है। ये पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है, ये चौथा कार्ड है। ये कार्ड इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें 13 शॉट्स हैं, अगर इस साइड का एक शॉट हटा दिया जाए जो 5 नंबर पे लगा है, तो बाकी काफी अच्छे हैं। खैर घर पे आ गया हूँ मैं, और मुझे कल समाना ने बताया था कि मर्सिडीज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब से डरा हुआ हूँ मैं, तो जरा बस वही चेक करने के लिए आया था, सोच रहा था पहले चेक कर लूँ फिर ऊपर जाऊँगा। प्रॉब्लम बेसिकली हुई है, ये जो सीट है ना ये आगे की तरफ आ गई है, अपने आप आई है, संभावना ने बोला अपने आप मूव करी, और फिर ये पीछे नहीं हो रही है, देखो तो यहाँ से पीछे किया तो ये पीछे जा रही है, पीछे मूव कर रही है, आगे मूव कर रही है, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा ना देखो एग्जैक्टली ये कुर्सी ही बनी हुई है, तो ये नीचे का हिस्सा, ये मिडिल का हिस्सा और ये नेक सपोर्ट, तो ये जो बीच का हिस्सा है ये वर्क नहीं कर रहा है, कहीं कोई चाइल्ड लॉक तो नहीं लग गया? तो ये भी ऊपर आ रहा है, नीचे भी जा रहा है, इसको क्या? ओ तो जी ठीक कर दिया मैंने, ठीक कर दिया, ये देखो ये पीछे गई, पीछे ये आ गई, आ गए, मेरे को पता नहीं मैंने कैसे ठीक किया है, तो मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन ठीक हो गया। मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं इसकी जो वायर्स है ना वो चूहे ना खा गए, क्योंकि गाड़ी पंचर थी, कई दिन नीचे खड़ी थी, चली नहीं, चलती नहीं है, तो चूहे अपना घर बना लेते हैं, घर बना लेते हैं तो साले तार खा जाते हैं, और ये पूरी गाड़ी सेंसर से भरपूर है, सब सेंसर पे ही चलता है, तो अगर एक भी तार इधर उधर खाई तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम अभी भी एज इट इज है, पंक्चर का साइन नहीं जा रहा है, पता नहीं, पंक्चर जबकि बन चुका है। दोस्तों बहुत बड़ा संकट उतर गया सर पे से कि मर्सिडीज को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मर्सिडीज में एक बार भी कुछ होता है ना तो ऐसा फटका आता है कि घर का पूरा बजट हिल जाता है। थैंक गॉड, कल से जब से मुझे पता चला ना मेरे दिमाग में बात घूम रही है कि क्या हो गया क्या हो गया, चूहे तो नहीं खा गए, अब मर्सिडीज में जाएगी, इतना बिल आएगा उतना बिल आएगा। मैं बताता हूँ संभावना को, इसी ने कुछ किया होगा, चाइल्ड लॉक वॉक लगा दिया होगा। ये कौन सी पिक्चर देख रही हो? ये है
गॉड्स एंड द किंग्स। तुम्हें तो आज कहीं पार्टी में जाना था ना, क्या हुआ? अभी शाम को जाना है मेरे को पार्टी में, अभी तैयार होंगी मैं 5 बजे से, फिर मैं ना रील भी शूट करूंगी, फोटो भी खींच देना मेरी। फोटो? हाँ फोटो खींच देना। तो 5 बजे से तुम कितने बजे निकलना है तुमको? अभी निकलूंगी तो मैं, टाइम लगेगा अपने को। कितना टाइम? मेरे ख्याल से 5 बजे जाना है ना। कितने बजे निकलोगी? अपन निकलेगा 9 बजे। और 5 से 9 तुम तैयार होगी? अपनी शादी में जा रही हो क्या? अरे 5 मैं तैयार होंगी, फिर तुम लाइटें लगाओगे। लाइटें लगाऊंगा, इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं। लाइटें लगाएगा, फिर फोटो खींचेगा, फोटो खींचोगे, फिर मेरी रील कौन बनाएगा, ये सब करते करते टाइम लगेगा। बीच में कुकुर को घुमाना है नीचे। हाँ बेबी, कुकुर को कब घुमाऊंगी? वो ड्रेस पहनोगी, वही गाउन में जाना और इनको बॉल खिलाना। दोस्तों अविनाश से बात करते करते बीच में ना डकार मारी है, तो ना आधी बात खा गया। सच की नहीं बता रहे, बताओ जनता को सच। यू बर्प्ड? कौन बर्प नहीं करता है, है? मेरी मंची तो सबसे ज्यादा करती है, बता जी। मैंने तैयार होना शुरू कर दिया है, नीतू यहाँ पे आ गई है, बाल बना रही है और मैं मेकअप करना शुरू कर रही हूँ। नीतू ध्यान से, नीतू ध्यान से, नीतू नीतू ध्यान से, मेरे को चटका लगा है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत डरती हूँ मैं चटकों से। और ये मेरा पीछे से बेबी आया, बेबी ने मेरे लिए कॉफी दी है मुझे बना के। ऐसे ही नहीं है मेरा बेबी, ध्यान तो रखता है। इतना बुरा मुंह बना के? नहीं नहीं, ध्यान तो बेबी तुम रखते हो, ध्यान तो मेरे बेबी जैसा कोई भी नहीं रख सकता है। मैं बता रही हूँ, मेरे मुंह में ना शब्द नहीं है, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन से तुम समझ जाओ। नहीं है, सिर्फ गाली है। नहीं शब्द नहीं है, लेकिन मेरे अंदर चल रहा है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। दोस्तों जब मैं टेंशन में होती हूँ तो शायद ज्यादा हंसती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं टेंशन में हूँ, आपको पता है। किस चीज की है आपको बता नहीं सकती, लेकिन बता दो ना। खोलना जरा, बताओ बताओ, इसको खोलो ना। 150 कपड़े बदल चुकी हूँ, अब तक समझ में नहीं आ रहा पहनना क्या है। सही है, अपने साथ ना होता है, कभी कभी होता है, होता है होता है। थैंक यू। और आपको दूसरी न्यूज ये दे दूं कि मेरे बच्चे इतना ज्यादा तड़पे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मम्मी अभी तक मेरे साथ नीचे क्यों नहीं चल रही है, उनका नीचे जाने का टाइम हो गया है खेलने का। उनको तो बॉल खेलनी है, उनको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या करूँ क्या नहीं। वो देखो पीछे से पीछे खेल रही है। वो पीछे ना दाव लगा के खेल रही है, और अभी ये मेरी आंख पे आएंगे, पता ना समझ गया, आंवला मेरे ऊपर आएंगे कि चलो मेरे साथ नीचे। और अभी तो चेरी ने वो डैश रोना शुरू नहीं किया है। नाम मत लेना उस चीज का, तुम तो निकल जाओगी। मैं नहीं लूंगी, BALL तो बोलना ही नहीं है, यही बैठी है क्या? नहीं खोखो है, तुम चली जाओगी, मेरी कब्र खोद देंगे। वे भी खाना तो खिला लोगे ना आज? खाना मुझे देना इनको। हाँ खाना नहीं खिला पाओगे तुम, इनका खाना स्विगी से नहीं आ सकता। यार क्या आइडिया, यार क्या स्टार्टअप का आइडिया है। स्विगी से कुत्ते का खाना, डिलीवरी ओनली फॉर डॉग्स। चलो निकलो, ये देखो तुम्हारे लिए ऑडियंस से बजाया ये। चेरी उधर उस रूम में, उसमें बैठी खिड़की पे, उसको वहीं बैठने दो, गलती से भी कुछ मत बात कर। रात को वापस आओगी ना? हाँ। तभी खिलाएंगे। हाँ हाँ। खाना बता देना चाहते हैं बनाना। ये मत बोला कि बेबी आज बच्चे डॉग के खाएंगे। डॉग केक। जी लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, लेकिन इन लोगों ने हंगामा मचा दिया है कि हमें नीचे लेके चलो, तो मैं आधे उसमें ही उठ के अब जा रही हूँ नीचे इनको बॉल से खिलाने, क्योंकि अविनाश आ नहीं पाएगा, और अगर ये नहीं खेले तो ये तो खून ही पी जाएंगे, तो मेरे को अभी इनको खिलाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम से पहले ही डिनर देना पड़ेगा। तो ये अभी हाल है मेरा, देखिए मैं क्या करूँ। नीतू मेरे साथ जा रही है, ताकि नीतू एक जगह से एक नीतू बॉल पकड़ेगी, एक जगह से मैं पकड़ूंगी। बताओ नीतू बाल बनाने आई है मेरे, यहाँ पे कुत्ता खिला रहे हैं। इवेंट पे जाना होता है ना, मतलब तब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये ना बिल्कुल नहीं मानते, चेरी तो बिल्कुल ही नहीं मानती। चल बेटा चल चल चल। तो जी मैं रेडी हो गई हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। मेरा दिमाग खराब हो चुका है आज, डोंट इवन आस्क कि मेरे साथ आज क्या क्या हुआ है, इतनी एंजाइटी हो रही थी ना मुझे आज, इतनी एंजाइटी होती है, देखो फोन भी आ गया किसी का। तो एनीवे मैं निकल रही हूँ फटाफट। एक्चुअली आज मेरे दोस्त, हमारा इंडस्ट्री भोजपुर इंडस्ट्री का सुपर स्टार है, उसकी आज बर्थडे पार्टी है, और उसके लिए मैं जा रही हूँ। एक्चुअली ज्यादा देर तो मैं नहीं रहने वाली हूँ, लेकिन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विश हिम, क्योंकि मैंने ना हमेशा उसका बहुत साथ दिया है, हमेशा हमेशा और हमेशा देती रहूंगी, एंड आई रियली लव हिम एज अ पर्सन। पवन सिंह आई लव यू। मैं निकल गई हूँ घर से, और मैं अकेली निकली हूँ, सॉरी मैंने बेल्ट नहीं लगाई है, मैं बेल्ट लगा लेती हूँ, और अब आपको सीधा मैं वहीं पे मिलूंगी, क्योंकि मुझे ड्राइव करना है और सब कुछ तामझाम आज बहुत उल्टा सीधा है यार।
मैं भी बता नहीं सकती हूँ आपको, आज बड़े ही हुए हैं। तो अविनाश बच्चों का ध्यान रखेगा, बच्चों को खाना वाना मैंने खिला दिया है, सब कुछ कर दिया है, मैं फटाफट वहां से होके आऊंगी, मेरा जाना ज्यादा जरूरी है वहां पे, मेरा दोस्त है पवन तो मेरे को जाना जरूरी था, तो अविनाश घर पे रहेगा और मैं फटाफट वहां से वापस होके आऊंगी, आपको मिलती हूँ सीधा वहीं पे। खुशी में अपन कीमती समय निकाल के आइड मानी जाए वो खाती आप सबके दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। कितना अच्छा लगा था सेठ जी है संभावना सेठ जी, आप सबको धन्यवाद जो आप लोग इस खुशी में आए आए। अभी पवन सिंह जी बनारस के बाबा जी के पास में गए थे, बोले बाबा जी मुझे पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई होने वाला है, उनका नाम क्या रखो? तो बाबा जी का पुत्री का नाम तो कुछ भी रखो सुंदर ही लगेगा, मगर पुत्र का नाम तो हनुमान रखना, ताकि कलयुग के लोग उसे कहे पवन पुत्र हनुमान। वाह बढ़िया बढ़िया, एक तरफ दुनिया सारी एक तरफ किसारी, और जिसका कभी भी हुआ मार्केट में कम भाव ना, उस एक लौटी प्यारी कलाकार का मैं संभावना। भैया
अरे बाप रे भाई साहब, पार्टी में तो मेरी हाल से मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया होगा। एक बार मैं घर पहुंच जाऊं फिर आपसे मिलती हूं। तो जी मेरी बेबी आ गई घर पे, अभी बज रहे रात के 12:30। मैं बुरे तरीके से सो गया था, घंटी बजाई तो इसने ऐसा लगा सपने में घंटी बजी। मैं सपने में उठा भी हूँ, दरवाजा खोलने गया हूँ, फिर देखा कि दरवाजा गायब हो गया, तो पता चला सपना था। फिर उठाऊ अभी आई है बच्चे, अब जाके थोड़ा बच्चों ने पटाखे वटाखे फोड़े, दिवाली मनाई है, पर एकदम मौन छाया हुआ था। बहुत लेट कर दी, बहुत लेट हो गया। अरे मेरी बात रिपीट कर रही हो? सॉरी बोलो। मैं सॉरी क्या बोलूं बेबी, मेरी बात रिपीट कर दी? हाँ बेबी लेट तो हो गए। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। मैंने कुछ खाया नहीं हुआ है, मुझे भूख लगी है। खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। बिस्किट? ये बहुत रोया है बेबी, वो मेरे पास आके, ये तो बच्चा है ना, इसको समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ पूरे घर में। बिस्किट बिस्किट कोको बिस्किट बिस्किट खाएगा बिस्किट बिस्किट मामा बेबी मेरे को हेल्प कर दो, ये बाल वाल को इंजीनियर। बेबी तुम्हारे बाल खोलना तो बहुत मेहनत का काम है, 500 क्लिप लगे होंगे ना उसमें। हाँ, तब तक तो जी हम लोग अब एंड करते हैं इस ब्लॉग को, आपको अब कल ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आज ब्लॉग बना क्या है वहाँ पे, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही थी, इतना ज्यादा म्यूजिक था, बहुत सारा क्योस था, क्या क्या हो रहा था। तो अब आपको मिलेंगे हम लोग कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना से। थैंक यू।